क्या आपके बालों का भी मेरी तरह हाल हो गया है? मेरे बाल बिल्कुल हो गए हैं रूखे सूखे बेजान ड्राई फ्रीजी अनमैनेजेबल। स्प्लिट एंड्स का भी प्रॉब्लम अभी स्टार्ट हो गया है और बहुत ही ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं। ना कोई शेप है ना कोई मतलब बिल्कुल ही ख़राब हो गए हैं मेरे बाल। और क्या आपका भी यही हाल है तो आप बिल्कुल सही पते पर आए हो, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी रेमेडी है, एक ऐसा हेयर पैक है जिससे फर्स्ट एप्लीकेशन पर ही आपको अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे। एंड यस, जेन्युइनली आपको अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे, क्योंकि देख सकते हो मेरे बालों की हालत जो है कितनी ख़राब हो चुकी है। मैंने 2 महीने से कोई भी हेयर पैक कोई भी बालों का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया था, और ये फर्स्ट यूज़ के बाद ही जो मेरे बालों का आप देख सकते हो कितना चेंज आ गया है, कितने लस्टरस दिखने लगे, कितने हेल्दी लग रहे हैं। लग रहा है ना कि बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट किए गए हैं बालों में। तो आप भी बिल्कुल इसी हेयर पैक को यूज़ करके अपने बालों का जो है ड्रास्टिक चेंज कर सकते हो, एंड इन द पॉजिटिव वे। तो बहुत ही अच्छे आपके बाल हो जाने वाले हैं फर्स्ट यूज़ के बाद ही, और आप चाहो तो इसको कंटिन्यू कर सकते हो। हेलो व्यूअर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू हार्ट एंड सोल चैनल। मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन एंड यूनिक वीडियोज़, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। सो इस हेयर पैक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए नेचुरल एलोवेरा। जी हाँ, अगर आपके पास नेचुरल एलोवेरा नहीं है तो आप स्टोर बॉट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा रिज़ल्ट है वो नेचुरल एलोवेरा लीफ से ही मिल सकता है। तो मेरे छत पे बहुत सारे एलोवेरा के पेड़, जैसे कि आपने देख ही लिया, वो मैंने ले लिए हैं। और साथ में हमें 3 एकदम पके हुए बनानास लेने हैं, जो मतलब आप फेंकने वाले होते हो ना, जो घर में कोई नहीं खाने वाला होता है और आपको फेंकना ही पड़ता है, वो वाला बनाना, एकदम पक्का हुआ बनाना आपको चाहिए। तो मैंने अपने हैंड लेंथ के हिसाब से 3 बनाना ले लिए और 3 लीव्स यहाँ पे ले लिए। तो एलोवेरा के लीफ को आपको ऐसे काट लेना है, बेसिकली हमें उसका जेल को निकालना है। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा को छील लिया है ऐसे, और स्पून के हेल्प से मैं जो इसका जेल है वो निकाल लूँगी एक मिक्सर ग्राइंडर में। तो तीनों जो लीफ है उससे मैं पहले निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो पहले हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे, एंड ये जो लीफ है ना, ये आपको फेंकना नहीं है। जेल निकालने के बाद ये लीफ को आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि उसका भी यूज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बनानास भी मैंने पील करके ले लिया है। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा पके हुए जो केले हैं ये मैं यूज़ कर रही हूँ। जितना ज़्यादा पका हुआ होगा उतना ही बेटर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और ये वाला जो एलोवेरा का जो लीफ है ना, इसको आप अच्छे से अपने पूरे स्किन में, जहाँ भी आपको मतलब इश्यूज़ या सन टैन के, या आपको रैशेज़ हो रहे हैं या इचिंग हो रही है, उस जगह पे आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। एज अ मतलब आप थोड़ा देर लगा लो और जब ये सूख जाए फिर इसको ठंडे पानी से वॉश कर लो। तो इसको हमने अब मिक्सी में एक बार पीस लिया है, जो भी बनाना था हमारा और एलोवेरा था, तो इसको हमने अच्छे से पीस लिया है। और जो नहीं पीसा होगा ना, क्योंकि ऐसा होता ही है, मेरे साथ तो हर बार हुआ है कि जितने बार भी आप पीसो ना, तो आपको दोबारा से इसको पीसना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स जो है रह जाते हैं। तो ये मैंने फिर से इसको ग्राइंड करके अच्छे से ले लिया है। और ये हेयर पैक अभी बाकी है कम्प्लीट होना, क्योंकि इसमें और 2 इन्ग्रीडियंट्स जाएंगे। पहला है कोकोनट हेयर ऑयल। यस, कोकोनट ऑयल, अगर आपके पास कोल्ड प्रेस है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपके पास कोल्ड प्रेस नहीं है तो जो नॉर्मल वाला पैराशूट वाला आता है वो आप 1 चम्मच ले लो, और 1 चम्मच हनी आप ले लो। तो ये जो चारों चीज़ें है ना, एक साथ मिलके इतना बेहतरीन काम करते हैं मेरे लिए। तो मतलब ये मेरे गो टू रेमेडी है बालों के लिए। मेरे बालों में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे हेयर फॉल हो रहा हो, चाहे मेरे बाल ड्राई हो गए हो, अनमैनेजेबल हो गए हो, चाहे मेरे बाल में कोई शाइन नहीं है, मतलब बिल्कुल ही बेजान बाल है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही ना मेरे बालों में जान आ जाती है। तो ऐसा हुआ था कि 2 महीने से मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर के कामों में व्यस्त थी, कुछ एग्ज़ाम्स की भी तैयारी चल रही थी, तो मैंने बालों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। मेरे बालों का हालत तो आपने देख ही लिया, बहुत ही ख़राब हो गए हैं। तो अभी इसको क्या करना है, देखो, कोई भी हेयर पैक लगाने के पहले ना आपको अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से कॉम कर लेना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि इससे ना एप्लीकेशन आपकी इजी हो जाती है। आपको इसका क्या करना है, ये जो जेल हमने बनाया है, हेयर पैक हमने बनाया है, इसको आपको अच्छे से इवनली अपने बालों पे स्प्रेड करना है। तो मैं इसको ऑफ कैमरा जाके अच्छे से लगा के आती हूँ, तो आप देख सकते हो मैंने अभी इसको अच्छे से लगा लिया है। और थोड़ा सा हेयर पैक बच गया था क्योंकि मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी बनाया था, क्योंकि मेरा भाई आया हुआ है, तो मैं अगर कुछ भी रेमेडीज़ लगा रही हूँ, होम रेमेडीज़, तो उसको भी होता है कि दीदी मुझे भी थोड़ा लगा दो, मैं भी थोड़ा अच्छा दिखना चाहता हूँ। तो ये मैंने लगा लिया है, और अच्छे से जो आपके जो एंड्स हैं ना बालों के, उसको आप अच्छे से कवर करिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे अपने बालों पे अच्छे से एप्लीकेशन कर ली है। आप चाहे तो अपने आईब्राउज़ पे भी लगा सकते हैं, मैं लगाती हूँ क्योंकि मैं कभी आईब्राउज़ नहीं बनाती हूँ, तो मैं हमेशा ये जो बच जाता है उसको मैं अपने आईब्राउज़ में लगा लेती हूँ। तो इसके भी बाल बहुत ड्राई हो गए थे, तो मैंने इसको भी लगा दिया था। बट मेरे भाई के जो बालों का रिजल्ट है मैं आपको शो नहीं कर सकती, क्योंकि उसके दूसरे वाले दिन वो बैंगलोर वापस चला गया, तो मुझे वो उसका बालों में क्या रिजल्ट आया वो शूट करने का टाइम नहीं मिला। टॉनिक, दिस इज बियर्ड टॉनिक। इसका अपने ये जंगल जैसे, ये जो झाड़ू जैसे घूर, ये जो अगर आपको दिख रहा होगा ये झाड़ू जैसा जो बन गया, ये भी मॉइस्चराइज्ड हो जाएगा, हाइड्रेटेड। अच्छा हाँ, सुनो सत्य करे तभी तो बोल क्यों पचा रहा तो हंसी थी चित्री। सो ये हेयर पैक और बियर्ड पैक लगाने के बाद जो है एक घंटा लगभग हो गया था, और मेरे बाल तो लगभग ड्राई भी होने वाले थे। तो मैं जा रही हूँ वॉश करने, एंड वॉश के बाद का रिज़ल्ट तो आपको पता ही है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने मिला है। मेरे बाल थोड़े स्ट्रेट भी हो गए हैं, क्योंकि ये हेयर पैक लगाने के बाद जेन्युइनली आपके बाल थोड़े आपको स्ट्रेट लगने लगेंगे, अगर आपके बाल कर्ली है तो। अगर आपके बाल स्ट्रेट नहीं भी हो रहे ना, तो आपके बाल मॉइस्चराइज ज़रूर लगेंगे, मैनेजेबल ज़रूर लगेंगे, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट, एंड आपके बालों में शाइन ज़रूर आएगा, ज़रूर ज़रूर आएगा। कुछ अगर नहीं दिख रहा है तो हेयर फॉल कम होगा और शाइन तो ज़रूर आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको भी ये हेयर पैक बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, इसको यूज़ करिए, ट्राई करिए, एंड जो भी रिज़ल्ट आपको मिल रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।